हेलो भाई, निको वीडियो में आपका स्वागत है। भाई आज हमारे पास है न्यू हीरो करिश्मा एक्स मार। सबसे पहले भाई बात करते हैं, इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं दो, आपको देखने को मिल जाती है यहाँ से, और ये आपको प्रोजेक्टर हेडलाइन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दो आपको देखने को मिल जाएगा। लाइट काफ़ी ब्राइट है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एक बार मैं थोड़ा सा भाई इसका लाइट दिखा देना चाहता हूँ। वैसे तो हालांकि डे में पता नहीं चल पाएगा, लेकिन आप इसकी लाइट यहाँ पर आप देख पाओगे, वो जो आपको देखने को मिल रहा है भाई वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, अब देखो लाइट जल रहा, बंद हो गया भाई। तो भाई अभी देख सकते हो, तो पूरा इधर से आपको पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है, फिर भी आपको लाइट काफ़ी वहाँ तक आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, ये आपको एडजस्टेबल विंडशील्ड देखने मिल जाएंगे। अब इसको एडजस्ट कैसे करना, कोई एलेंकी लेके आपको काम नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपको एक ऐसा सिस्टम दिया गया भाई, वाइजर। यहाँ पर आप इसको दबाओगे ये, और इसको पकड़ के यहाँ से खींच सकते हो भाई। बाकी यहाँ पर आपको मिल जाएगा नंबर प्लेट, आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये अपना मिल जाएगा एलईडी इंडिकेटर, जो कि आपको हार्ड के साथ आता है, 3 यूनिट के बल्ब के साथ, काफ़ी बेहतरीन। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ टायर साइज की बात करते हैं, तो इसमें 100 180 17 का आपको टायर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और डिस्क मैंने बता दें 300 mm के डिस्क मिल जाएंगे, बाइबर के कैलिपर मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। बाकी रिफ्लेक्टर इस साइड आपको देखने मिल जाएगा, डुअल चेन ABS का आपको देखने मिल जाएगा। टायर मड क्लिप की बात करें, ग्लॉसी रेड आपको मिल जाएगा, और ये आपको यहाँ पे ये ब्लैक की फिनिश देखने मिल जाएगी। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि काफ़ी मोटा आपको सस्पेंशन दिया गया है भाई इस बजट में। और व्हील आपको यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक डिज़ाइन व्हील की देखने मिल जाती है। बाकी लेंथ की बात करते हैं, तो 2040 mm के आई थिंक इसका कंप्लीट गाड़ी का लेंथ देखने मिल जाएगा। बाकी ये ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने मिल जाएगा, 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक के साथ देखने मिल जाता है। यहाँ पे हीरो आपको देखने मिल जाएगा, एग्जमार आपको देखने मिल जाएगा, जो कि स्टिकरिंग की गई है काफ़ी ठीक ठाक आपको, ये आपको ग्रे वाली और ब्लैक वाली के साथ। और इसमें आपको मिल जाएगा लिक्विड कूल्ड इंजन भाई, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से रेडिएटर देखने मिल जाएगा। हॉर्न आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, सिंगल हॉर्न मिलेगा। अभी मैं इसका साउंड भी सुनाऊंगा कि कैसा इसका हॉर्न आ रहा है, एग्जॉस्ट साउंड कैसा आ रहा, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसमें आपको 25.5 PS की पावर मिल जाएगा। टॉर्क की बात करोगे तो 20.4 Nm का टॉर्क मिल जाएगा इस गाड़ी के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस करता है अपने सेगमेंट के हिसाब से। और इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। और इसमें आपको DOHC इंजन देखने मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन मिल जाएंगी। और यहाँ पे 210 cc का आपको ब्रांडिंग देखने मिल जाएगा, और ये अपनों स्प्लिट ग्रेवल मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। रियर से लुक देख सकते हो, बाकी टेल लाइट काफ़ी शानदार से देखी है। यहाँ पे आपको हीरो का आपको ब्रांडिंग देखने मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो भाई छोटी छोटी चीज़ों को काफ़ी ध्यान दिया गया। और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट ये सारी चीज़ मिल जाएगी, नंबर प्लेट लाइट भी LED देखने मिल जाता है, हजार का बटन देखने मिल जाएगा। टायर साइज की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 140 का टायर सेशन देखने मिल जाएगा, 140 70 17 का आपको टायर सेशन देखने मिल जाता है, ये यहाँ पे आप देख लेना। बाकी डिस्क की बात करें, 230 mm का डिस्क आपको इस वेरियंट के साथ देखने मिल जाता है। और सीट कम्फर्ट की बात करते हैं, तो सीट आपको स्प्लिट के साथ सीट आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि सीट कुशन काफ़ी शानदार आपको देखने मिल जाता है यहाँ से। और यहाँ से भी आपको सीट काफ़ी ठीक ठाक आपको देखने मिल जाता है। 11 लीटर का आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा। इसमें आपको E20 पेट्रोल का सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा। माइलेज की बात करूँ, इसमें आपको 35 का आपको माइलेज आपको देखने को मिल जाता है। टॉप स्पीड की बात करते हैं, 145 इसका टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। सबसे पहले की कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मल सीट की देखने को मिल जाती है। और यहाँ से इसको लगाओगे कुछ इस तरीके से, एनिमेट आपको मिल जाएगा। कलरफुल डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ें मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन होती तो काफ़ी मज़ा आता और कलरफुल आपको हो जाता, तो भाई सोने पे सुहागा हो जाता भाई वहाँ पे। बाकी यहाँ पे न्यूट्रल आपको देखने मिल जाएगा, टाइमिंग का मिल जाएगा, डेट का मिल जाएगा, RPM फ्यूल का मिल जाएगा, ABS ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। बाकी हज़ार का बटन यहाँ पर बंद कर देते हैं। हैंडल पर आपको मिल जाएगा लो बीम हाई बीम का आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर मैनुअल आपको ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर सेट कर सकते हो, ये आपको मिल जाएगा। हॉर्न एक बार हॉर्न सुना था भाई। यहाँ पर आपको मिल जाएगा चार्जिंग पोर्ट, ओ जा भाई आजा 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 यहाँ से भाई, इसका चार्जिंग पोर्ट आ गया भाई। हज़ार के बटन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। इंजन किल स्विच आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेल्फ का। तो अभी क्या करते हैं, इसका भाई केवल एक चीज़ रहेगा भाई, साउंड सुनाना भाई। तो साउंड की बात कर लेते हैं कि क्या आता है। सबसे पहले स्टार्ट हो जाए, बैटरी बैठ गई भाई, एक बार फिर से ट्राई करते हैं भाई, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा भाई तो भाई कोई नहीं, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें आपको मैं साउंड सुना दे रहा हूँ, क्योंकि भाई इसमें आपको ये आप ये
ये भाई इसका एक्चुअल एग्जॉस्ट साउंड, बाकी इसमें आपको बैटरी बैठा हुआ था इसलिए मैं उसका सुना नहीं पाया। बाकी आप लोग बताना ये वीडियो कैसे रही है, गाड़ी कैसे रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो भाई ये था आज के लिए न्यू हीरो करिश्मा XMR कंप्लीट डिटेल वॉक अराउंड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए। करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।